कोविड-19 टीकाकरण के लिए नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर युवाओं, महिलाओं एवं पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। वही टीकाकरण के लिए वैक्सीन बहुत कम मात्रा में भेजे जाने के कारण लोगों को प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में बिना वैक्सीन का टीका लगवाए घर वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही युवाओं, पुरुषों, महिलाओं का कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लोगों ने बताया कि पहली डोज के 200 लोगों का टीकाकरण एवं दूसरी डोज 32 लोगों को लगाए जाने के बाद वैक्सीन टीकाकरण बंद कर दिया गया। लोगों ने इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया तो हालातों को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर धीरज गुप्ता, अधारा थाना समथर के प्रभारी शिव प्रसाद को सूचना दी गई तो थाना प्रभारी हमराही पुलिस बल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर धीरज गुप्ता ने बताया कि पूर्व में सुबह 8 बजे से टीकाकरण शुरू हो जाता था और टीकाकरण का पोर्टल स्थानीय स्तर पर ही खुल जाता था, परंतु वर्तमान समय में पोर्टल झांसी से सुबह 10 बजे से खुलता है, इसके बाद ही वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो पाता है। वहीं निश्चित संख्या में ही टीकाकरण की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने वैक्सीन टीकाकरण की डोज अधिक मात्रा में भेजी जाने की मांग की है।